स्टेशन बिल्डिंग के समापन समारोह में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। इस दौरान प्रमुख सचिव अतिरिक्त ऊर्जा के कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। ऊर्जा बचाने के लिए दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। बातचीत के लिए हमारे साथ ब्रजेश पाठक मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री सरकार में। सर, ये सेमिनार का क्या उद्देश्य था और किस तरह से बिजली बचाएंगे उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश राज्य में जुलाई 2018 से हमने सभी सरकारी भवनों पर और जो वाणिज्यिक भवन थे उन पर ECBC कोड या ऊर्जा संरक्षण के लिए नियम हमने लागू किए थे। लेकिन आज इस सेमिनार के माध्यम से 3 दिन तक सेमिनार चला, आज उसका अंतिम दिन है, और ये तय पाया गया है कि अगर हम उत्तर प्रदेश में सभी निजी भवनों पर भी ECBC कोड लागू करें, जिससे हम ऊर्जा की खपत भी कम करेंगे और जो हमारा कार्बन उत्सर्जन है उसको भी हम रोक सकेंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ हम जरूर करके जाएंगे। सर, सरकारी भवनों की बात अगर जो है वो की जाए तो आप लोगों ने कहा था कि वैकल्पिक ऊर्जा वहाँ पे इस्तेमाल हो, एक साल पहले इस तरह का फैसला लिया गया था, क्या निजी भवनों के लिए भी इस तरह की कोई योजना है? देखिए, जो हमारे सरकारी भवन है वो ECBC कोड के माध्यम से नए भवन जितने भी हैं वो बनेंगे, जो वाणिज्यिक भवन है उन पर भी ECBC कोड लागू होगा, जहां पर ऊर्जा संरक्षण के जो नियम है वो लागू होंगे। अब निजी भवनों पर भी हम उत्तर प्रदेश राज्य में लागू करने पर गंभीरता से विचार करने जा रहे हैं। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ब्रजेश पाठक मंत्री। कैमरामैन नफीस के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।